तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग शंख नदी के बीचों बीच रुके हुए हैं पुल में, एंड चांद वहाँ पे एंड भाई यहाँ पे, एंड हाँ मेरा फोटो शूट हो चुका है ब्रो साइड, डोंट डिस्टर्ब। तो रोड में भाई खतरनाक सीन है, बट फोटो इतना मस्त आ रहा ना कि क्या ही बोले, एंड इंस्टाग्राम में पोस्ट होगा वो चीज़ काफ़ी मस्त लगेगा। हम लोग यहाँ से जा रहे थे एंड सडनली ये प्लान बन गया कि एक फ़ोटो शूट कर लेते हैं यहाँ पे, बट थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि रोड है ऑन रोड और हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं, एंड आप लोग प्लीज़ ये ट्राई मत कीजिएगा। ये प्रोफेशनल के ज़रिए किया जा रहा है काम, वही सीन है भाई प्रोफेशनल। एंड फ़ोटो चेक करिए आप, बोल फोटो दिखा दो एक भाई, फ़ोटो है भाई बहुत मस्त है। हाँ फिलहाल यहाँ फोटो शूट कम्प्लीट करते हैं, फिर निकलते हैं गाइस जल्दी। सो फाइनली गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड, एंड फिलहाल अभी बज रहा है शाम का 5 एंड ये रहा अपना बाइक। तो फिलहाल अभी का सीन क्या है कि अभी हम लोग थोड़ा सा इंस्टाग्राम में भी ध्यान दे रहे हैं एंड उसके लिए रील वील बनाना पड़ेगा, तो हम लोग फिलहाल रील बनाने जा रहे हैं शंख नदी के साइड, एंड एक दोस्त है अनीस तो उसके पास जा रहे हैं, सॉरी अनीस नहीं आशीष, तो उसके पास जाते हैं फिलहाल एंड फिर उसके बाद निकलते हैं शंख नदी के लिए। तो गाइस फिलहाल चलते हैं। वैसे गाइस अपना फ्यूल भी थोड़ा कम है तो फ्यूल ही भरवाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि मीटिंग पॉइंट हम लोग का पेट्रोल पम्प होगा कुलडेग रोड का, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं फिलहाल। एक्चुअली हम वहाँ जा रहे हैं, वो बाद में आता है या पहले आता है नहीं पता, हमको वो नहीं पता, बट लेट्स सी गाइस क्या होता है। हाँ एंड एक्चुअली में हम शंख नदी का ब्लॉग पहले भी डाल चुके हैं, जब हम मेरे पास डिस्कवर था हम उसके साथ जाते थे बाय बाय घूमने। अच्छा तो हाँ एक्चुअली में मेरे पास जब डिस्कवर था हम उस टाइम भी गए हुए थे शंख नदी, तो उस टाइम का भी ब्लॉग है, बट इस बार गाइस हम 390 में जा रहे हैं एंड उधर का रोड एकदम मक्खन है, बट बीच में थोड़ा सा रोड ख़राब है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, बस उसके बाद तो भाई मक्खन रोड अपने पास बीच और ही मज़ा आने वाला है ठंड वाला। तो गाइस फाइनली हम लोग कुलडेग रोड वाले पेट्रोल पंप पास पहुँच चुके हैं, भाई लोग आया नहीं है, लगता है हम ही लोग से पहले आए, तो पता नहीं वो लोग कब तक आता है, तो वेट करते हैं तब तक। एंड अभी थोड़ा सा भीड़ है तो उसे खाली होने देते हैं, उसके बाद फीलिंग करवा लें क्योंकि अपना कांटा भी पूरा ख़त्म ही होने वाला है। तो गाइस 150 का तेल डलवाए बट छुट्टी पड़ा नहीं बाइक का, बहुत दुख है गाइस इस बात का, पैसा का बहुत ज़्यादा कमी हो चुका है अपने पास। भाई लोग बोला कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तो हम थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, यहाँ पे एक रास्ता है राइट साइड करता है और वो लोग वहीं से आने वाला है, तो हम लोग जाते हैं वहीं पर से वेट करते हैं कैसे बढ़ जाए। बहुत दिन के बाद चलो संग नदी ना चलो। तो आगे वाला भाई आशीष है और पीछे वाला भाई पॉल भाई, तो भाई चल रहे नदी की ओर। तो गाइस हम इसी व्यू का बात कर रहे थे जो है ना सिंधिया के किनारे किनारे में पहाड़ वहाड़ बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। एंड मेरे पास माइक नहीं है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, इसके लिए खेद है, बट जल्दी से जुगाड़ किया जाएगा उसके लिए भी। इधर जाना इधर क्यों उधर इधर अच्छा पहुँच गए संघ नदी, संघ नदी इधर है पूरा दूसरा। फुल आ गए भाई लग इधर है, जब मेरे पास डिस्कवर था जब मेरे पास 390 नहीं था तो हम डिस्कवर से ही घूमने आए थे एक बार यहाँ पे, उसका भी ब्लॉग है बट उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं गया था क्योंकि अपने पास गाड़ी नहीं था, आई डोंट थिंक से व्यूज़ जाने वाला है कि नहीं क्योंकि हम ब्लॉग कंटिन्यू डाल नहीं रहे, बट लास्ट टाइम आए थे तो बहुत ज़्यादा 5 मार्च थे यहाँ पे, बट अभी बहुत ज़्यादा साफ लग रहा है।
एंड इसका कारण ये है कि बीच में छठ पूजा था एंड जिस टाइम मतलब जगह को साफ किया गया था होगा एंड अभी काफ़ी क्लीन क्लीन लग रहा है। सो गाइस फिलहाल अभी हम नीचे साइड जा रहे हैं एंड जिस टाइप से लोकेशन खोज रहे थे वो उस टाइप से लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल गाइस अभी का प्लान है कि थोड़ा आगे साइड और जाया जाए एंड यहाँ पे ऐसा कुछ लोकेशन लगा नहीं कि यहाँ पे शूट कर ले, बट अपना घूमने वाला सीन तो बरकरार ही है। गाइस हम लोग फाइनली रास्ता के बीच में रुक चुके हैं एंड भाई लोग शूट कर रहे हैं एंड उधर मस्त सा पहाड़ है एंड सनसेट हो रहा है एंड ये रास्ता रामरेखा लेता है, बट हम लोग रामरेखा नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है रामरेखा जाने के लिए। एंड वहाँ पे एक्चुअल में जो पीछे में पहाड़ दिख रहा है वो रामरेखा पहाड़ है सारा सारा एंड वहाँ से काफ़ी अमेजिंग व्यू आता है, बट अभी हम लोग पास टाइम ही नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जाए एंड भाई लोग इधर मेहनत कर रहे हैं थोड़ा एंड उसके बाद अपना भी स्विच शूट करते हैं एंड फिर निकलेंगे लास्ट में। गाइस आशीष भैया गाइस कुछ बोलना चाहता है? कुछ नहीं दोस्त। क्यों दोस्त? इस बार बोर्ड्स लिखा है, कितना परसेंटेज आएगा बताओ? 70। 70 भाई कैसे प्रोग्रेस करेगा हम लोग का स्टेट बताओ, कैसे देश आगे बढ़ेगा? बोल बोलो कुछ इसके लिए। तो फाइनली गाइस शूट हो चुका है एंड शाम भी हो चुका है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, बट उधर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड फिलहाल निकलते हैं भाई लोग यहाँ से एंड काफ़ी अच्छा अच्छा शॉट लिया है भाई लोग। तो फिलहाल गाइस निकलते हैं यहाँ से क्योंकि लेट हो जाएगा एंड हमको ऐसे सुनसान जगह उतना ज़्यादा पसंद नहीं रात के वक्त, दिन के वक्त अच्छा ही लगता है बट रात के वक्त ये सब जगह थोड़ा सा इनसिक्योर फील करवाता है। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं गाइस यहाँ से। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग शंख नदी के बीचों बीच रुके हुए हैं पुल में एंड चांद वहाँ पे एंड भाई यहाँ पे एंड हाँ मेरा फोटो शूट हो चुका है ब्रो साइड डोंट डिस्टर्ब। तो रोड में भाई खतरनाक सीन है बट फोटो इतना मस्त आ रहा ना कि क्या ही बोले एंड इंस्टाग्राम में पोस्ट होगा वो चीज़ काफ़ी मस्त लगेगा। हम लोग यहाँ से जा रहे थे एंड सडनली ये प्लान बन गया कि एक फ़ोटो शूट कर लेते हैं यहाँ पे, बट थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि रोड है ऑन रोड हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं एंड आप लोग प्लीज़ ये ट्राई मत कीजिएगा। ये प्रोफेशनल के ज़रिए किया जा रहा है काम, वही सीन है भाई प्रोफेशनल। एंड फोटो चेक करिए आप, बोल फोटो दिखा दो एगो भाई, फोटो आया भाई बहुत मस्त आया। हाँ फिलहाल नहीं, हम फोटोशूट कंप्लीट करते हैं एंड फिर निकलते हैं गाइस जल्दी। भाई लोग अपना फोटोशूट हो चुका है एंड फिलहाल निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से पुल के पास से, देख रहे ना गाइस पूरा पुल का सीन है एंड भाई लोग आ गए हैं, बस फिलहाल निकलते हैं। इट्स टू लेट ब्रो, नीचे पूरा पानी का सीन है भाई और आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो फाइनली गाइस
गाइस अब हम घर पहुंच चुके हैं एंड आज के लिए इतना ही रहेगा गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।